नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट नौकरी चैनल में। दोस्तों, बात करेंगे आज के इस वीडियो में मुंबई की लोकल ट्रेन को बढ़ा दिया गया है। जी हां, जानेंगे हम इस वीडियो के अंदर आखिरकार लोकल ट्रेनों की संख्या बढ़ाने से क्या असर पड़ेगा मुंबई कर्स पर और क्या किन लोगों को मिलेगा इसका लाभ। तो वीडियो शुरू करते से पहले दोस्तों, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को फटाफट कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं महाराष्ट्र और मुंबई की तमाम सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर। तो बात करते हैं लोकल ट्रेन, पिछले कई महीनों से लगातार बंद है आम जनता के लिए। जी हाँ, टर्म और कंडीशन के साथ लोकल खोली जा रही थी, लेकिन लंबे समय के बाद अब लोकल की संख्या में इजाफा किया जा रहा है। जी हाँ, एसी लोकल ट्रेनों की संख्या को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि एसी लोकल ट्रेनों को ज़्यादा प्रतिसाद जनता का नहीं मिला, जिसकी वजह से अब एसी लोकल टिकटों की जो किराया है उसमें भी थोड़ी कमी की गई और उनकी संख्या को भी बढ़ाया गया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब लोकल का इस्तेमाल कर सके। तो गाइज, यहाँ पर हम आपको बता दें, अभी भी लोकल में सिंगल डोज वालों के लिए ऑफिशियल तौर पर अपडेट नहीं आई है। जी हाँ, कई तरह से जो है अपडेट आ रही है कि आने वाले कुछ ही दिनों के भीतर अनुमति दी जा सकती है, लेकिन अभी भी लोकल में सिर्फ वैक्सीन लगवा चुके दोनों डोज वालों को ही अनुमति दी जा रही है।